दोस्तों, आज हम लोग डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ्स वन का लॉगरिथमिक जो चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे लॉगरिथमिक चैप्टर है, इसका कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए वन होगा तो उसका वैल्यू क्या लेना है, जीरो लेना है। ऐसे ही लॉग ए रेज टू ए रहेगा उसका वैल्यू क्या लेना है, वन। ए लॉग ए रेज टू आई रहेगा उसका वैल्यू क्या लेना है, वन। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इवेलुएट द फ्लेम। ओके, तो देखिए यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है और यहाँ पे क्या करना है, लॉग सेवन रेज टू कितना है, 49। ओके, तो क्या करना है, यहाँ पे लॉग सेवन और 49 को क्या लिख सकते हैं, 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे स्क्वायर लिखे वो क्या होगा, पहले आएगा। ओके, तो 2 log 7 raise to 7। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 into log a raise to a, देख रहे हैं आप log a raise to a का वैल्यू क्या है, 1। तो log क्या है, 7 raise to 7 इसका वैल्यू क्या लेंगे, 1। तो यहाँ पे फाइनली आपका क्या हो गया, 2 1 जा 2, ये आपका 2 फाइनल आंसर हो गया। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे log, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या देखिए, log 2 रेज़ टू क्या है, 1/8। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे क्या करना है, log 2 लिखना है, जो क्वेश्चन दिया गया है वो लिख देना है। अब यहाँ पे क्या करना है, log 2, ठीक है, अब यहाँ पे 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 1/8 को 1/2 रेज़ टू 3 लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए log 2 है, log 2 से देखेंगे, अब 1/2 रेज़ टू कितना है, 3, 2 का पावर कितना है, 3, तो ए डिवाइड हटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का पावर कितना हो जाएगा, -3। ओके, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, -3, तो ये -3 जो पावर है वो पहले आ जाएगा, -3 log 2 रेज टू 2। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, -3 इंटू, अब जब वैल्यू सेम रहता है log का, log 2 रेज टू 2 या log a रेज टू a वैल्यू रहेगा, तो उसका वैल्यू क्या लेना है, 1 लेना है। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, 1, तो -3 बन जा, ये कितना हो जाएगा, -3 आंसर। इस टाइप से वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से।